always flow from hot body to the cold body due to the difference of temperature. इस लॉ से मुतासर होके ओम ने लॉ बनाया कि ये जो करंट फ्लो करता है ये क्यों फ्लो करता है। देखिए हम देखते हैं ना, जब कंडक्टर के अंदर रेंडम मोशन होती है तो जब रेंडम मोशन होती है तो इस तरह से कोई भी करंट नहीं होता। जब हम इसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, एक साइड पॉजिटिव कर देते हैं, एक निगेटिव कर देते हैं, तो क्या होता है बेटा, इसके अंदर करंट फ्लो करता है। इसका मकसद है कि करंट फ्लो क्यों करता है, करंट फ्लोज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, नॉट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ चार्ज। चलो NEAL चार्ज डेनिस्टी होती है, करंट डेनिस्टी है बेटा, इसको करंट डेनिस्टी कहा जाता है। करंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम के अंदर एरिया इनटू लेंथ होता है। चार्ज डेनिस्टी है, 14 चैप्टर के दूसरे या तीसरे पेज के ऊपर फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। ये चार्ज डेनिस्टी होती है, ये कंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करते हैं तो चार्ज डेनिस्टी, करंट पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम उस साइड पे चला जाता है ना, तो वो जाता है एरिया इनटू लेंथ उस सेंस में, ठीक है बेटा। अब आ जाए इसके ऊपर के करंट जो होता है वो फ्लो किस वजह से करता है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। किसने कहा था, ओम ने कहा था। ओम कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल करता है। मीन्स अगर किसी भी कंडक्टर के ऊपर अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे 10 वोल्ट है और कंडक्टर के ऊपर अगर 20 वोल्ट करोगे, ठीक है, तो जिस कंडक्टर के ऊपर पोटेंशियल ज्यादा होगा करंट ज्यादा होगा। ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर में ज्यादा फ्लो करेगा अगर पोटेंशियल ज्यादा होगा। जैसे लाइट जब फुल होती है तो पोटेंशियल होता है 220 वोल्ट, करंट ज्यादा आता है, जबकि उन्हीं वायरों के अंदर जब लाइट डिम होती है तो करंट कम आता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। और ओम्स लॉ फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, नॉट यूनिवर्सल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है, क्योंकि सिर्फ कंडक्टर्स फॉलो करते हैं इसको, वो भी हायर टेम्परेचर पे नहीं करते, और इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर तो इसको फॉलो ही नहीं करते, ठीक है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, लेकिन ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से बेटा I is equal to KV. Also depends upon K means conductance. हर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, कि अगर एक कॉपर रखें एक सिल्वर रखें बेटा, कॉपर और सिल्वर अगर रखें तो कॉपर की कंडक्टेंस जो है वो डिफरेंट होगी, सिल्वर की डिफरेंट होगी। भले दोनों के ऊपर पोटेंशियल आप सेम रख लें, लेकिन दोनों के अंदर करंट डिफरेंट होगा। तो करंट थ्रू कंडक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस पे, दूसरा नेचर ऑफ द कंडक्टर पे, कंडक्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे। देयरफॉर लॉ होगा आई इज इक्वल टू के वी, वेयर के जो होता है वो कंडक्टेंस है, जिसका यूनिट जो होता है वो साइमन होता है, साइमन्स होता है इसका यूनिट, जब मो होता है मो, ठीक है। कंडक्टेंस का मकसद है एबिलिटी और इफिशियंसी ऑफ कंडक्टर टू अलो द चार्जेस, ठीक है। तो ये जो होता है कंडक्ट, करंट थ्रो कंडक्टर दो चीजों पे डिपेंड करता है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी और आई आल्सो डिपेंड्स अपॉन के, वेयर के मींस कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस, इसलिए हम कहते हैं कि आई इज इक्वल टू 1/R × V, वी इज इक्वल टू IR, where R is equal to V upon I, ठीक है बेटा। तो ये होता है ओम्स लॉ। और रेजिस्टेंस जो होती है ना बेटा, रेजिस्टेंस जो होती है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पोटेंशियल एंड करंट, क्योंकि I is directly proportional to 1, I 1 अगर होगा तो V 1 होगा, I 2 होगा तो V 2 होगा, जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना करंट बढ़ जाएगा, इसलिए I और V के डायरेक्ट होने की वजह से
अगर पोटेंशियल